अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 2021 लगाई गई। प्रदर्शनी में 22 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सीनियर वर्ग में 15 मॉडल और जूनियर वर्ग से 39 मॉडल प्रस्तुत किए गए। इस दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडलों को देखने के पश्चात अध्यापकों द्वारा बच्चों की प्रतिभा की सराहना की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर शुभ्रा सिंह और अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधान आचार्य रेमी यादव ने कहा। जन्म पश्चिम का
मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है, मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के तहत जनपद स्तरीय विज्ञान की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है और यहाँ पे कुल मिला के 22 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया है। सीनियर वर्ग से हमारे पास कुल 15 मॉडल आए हैं और जूनियर संवर्ग में हमारे पास 39 मॉडल्स आए हैं। यहाँ पे बच्चों की प्रतिभा देखने को मिल रही है, बहुत सारे बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाए हैं जो वाकई में बहुत अट्रैक्टिव हैं। एक बच्चे ने थर्ड आई बनाई है जो कि ब्लाइंड व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए है और कुछ और यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर से रिलेट करके बहुत सारे मॉडल्स आए हुए हैं और साथ में ड्रिप एरीगेशन है और विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बच्चों द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। धन्यवाद। रेमी यादव, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर की जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित है जिसमें कुल 22 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। जूनियर वर्ग में 39 मॉडल आए हैं और सीनियर वर्ग में 15 मॉडल आए हैं, टोटल 54 मॉडल आए हैं और इसके लिए 7-5 जजेस बुलाए गए हैं। यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पूजा सिंह मैम आई हैं और एसके शाह सर हैं प्रधानाध्यापक राजकीय हाईस्कूल बेरी पारकोड़ीराम से, आदित्य पांडे जी हैं प्रवक्ता गणित डाइट के और राकेश कुमार जी हैं प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान डाइट के और डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं MG DG कॉलेज के प्रोफेसर। किस तरह की प्रदर्शनी लगाए हैं बच्चे? बच्चों ने सभी प्रकार बच्चों ने बहुत ही अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया है, उसमें क्रियाकारी और स्थिर दोनों ही प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं।